गाइस वेलकम टू टीवी का तड़का, जिसमें क्रेजी फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और टीवी शोज से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं आज के अपडेट्स के बारे में। टीवी का तड़का पहली टॉप न्यूज, इस वजह से बदला पिंजरा खूबसूरती का शो का टाइम स्लॉट। हाल ही में खबरें सामने आई कि कलर्स टीवी के सीरियल पिंजरा खूबसूरती का को आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है और ये सीरियल अपनी ऑडियंस को जून के महीने में टाटा बाय बाय कह देगा। लेकिन अब खबरें सामने आई हैं कि सीरियल 1 जुलाई से नए टाइम पर प्रसारित किया जाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल का मानना है कि इस सीरियल की कहानी थोड़ी हिंसक है और इसे रात 10 बजे के बाद ही दिखाया जाना चाहिए। यही वजह है कि इस सीरियल का समय बदलकर रात 10:30 बजे कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीरियल में 22 साल का लिप आया है, जिसमें मयूरा और ओंकार का पुनर्जन्म हो गया है। मयूरा और ओंकार के अलावा बाकी सभी किरदार बदल गए हैं। टीवी का तड़का दूसरी टॉप न्यूज, कुंडली भाग्य फेम ईशा आनंद ने पायलट वासुदेव संघ की सीक्रेट वेडिंग। जी, कुंडली भाग्य एक्ट्रेस ईशा आनंद शर्मा ने पिछले महीने 2 मई को पायलट जसदेव सिंह जसरोता से शादी कर ली है। दोनों ने राजस्थान में सीक्रेट सेरेमनी में सात फेरे लिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने 2 फरवरी 2020 को कोर्ट मैरिज की थी। अब ईशा और जसदेव की शादी की तस्वीरें सामने आई हैं। उनकी वेडिंग फोटोज देख फैंस भी काफी सरप्राइज हैं। ईशा और वासुदेव की शादी के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी थी। हालांकि उन्होंने अपनी शादी के बारे में बताया जरूर, पर तारीख का खुलासा नहीं किया था। ऐसे में अब जब उनकी वेडिंग फोटोज आई हैं, फैंस बेहद खुश हैं। टीवी का तड़का तीसरी टॉप न्यूज, शहनाज गिल ने स्टाफ मेंबर से उतरवाई हील्स, हो गई बुरी तरह ट्रोल। शहनाज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनकी टीम का एक मेंबर उनकी हील्स चेंज करता नजर आया। मुंबई में शूट के दौरान शहनाज गिल को कैप्चर किया गया। एक्ट्रेस अपने शूट लोकेशन के बाहर थी और अपनी वैनिटी वैन की तरफ जा रही थी, तभी पपराजी ने शहनाज की फोटो कैमरे में कैप्चर कर ली। शहनाज ने हील्स पहनी थी, ऐसा लग रहा मानो उन्हें चलने में दिक्कत हो रही हो। तभी एक टीम मेंबर आता है और उनकी हील्स को उतारकर उन्हें फ्लैट स्लीपर पहनाता है। बस फिर क्या था, शहनाज का ये अंदाज कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो बुरी तरह से ट्रोल होने लगी। टीवी का तड़का चौथी टॉप न्यूज, पांडे स्टोर फेम शाइनी दोषी ने बॉयफ्रेंड लवेश खैरजानी से की सगाई। चैनल टीवी के पॉपुलर शो पांडे स्टोर फेम शाइनी दोषी ने बॉयफ्रेंड लवेश से अपनी सगाई होने का खुलासा किया है। शाइनी और लवेश ने 4 जनवरी 2020 को एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहनाई थी। शाइनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खूबसूरत और रोमांटिक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो अपनी एंगेजमेंट रिंग को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। टीवी का तड़का पांचवी टॉप न्यूज, रूपाली सुधांशु के झगड़े की खबर पर ये बोली एक्ट्रेस मदालसा। पिछले कुछ टाइम से टीवी के नंबर वन शो अनुपमा के सेट से अच्छी खबरें नहीं आ रही। खबरें आ रही हैं कि शो के कलाकार अनुपमा और वनराज के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के सेट पर दो गुट बन चुके हैं। इन दोनों ही गुटों के बीच जमकर विवाद भी होता है। यहां तक कि रूपाली और सुधांशु ने सोशल मीडिया पर भी काफी समय से एक दूसरे के साथ कोई तस्वीर शेयर नहीं की। इसी शो में वनराज उर्फ सुधांशु की गर्लफ्रेंड की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस मदालसा शर्मा भी इन दोनों की लड़ाई में कूद पड़ी है। इस विवाद के बारे में एक मीडिया से बात करते हुए मदालसा ने कहा, ये क्या बकवास है, ये केवल अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। टीवी का तड़का छठी टॉप न्यूज, अविका गौर संघ अफेयर और बच्चे की खबरों पर मनीष राय सिंघन ने तोड़ी चुप्पी। जिन ससुराल सिमर का फेम अविका गौर और मनीष राय सिंघन अपने अफेयर की खबरों को लेकर काफी चर्चा में हैं। खबरें तो यहां तक है कि दोनों का एक बच्चा है जिसे छुपा कर रखा गया है। अविका की इन खबरों पर रिएक्ट करने के बाद अब मनीष ने काफी कुछ कहा। ई टाइम से बात करते हुए मनीष कहते हैं, ये सबसे बेतुकी चीज है जो मैंने अपनी और अविका की दोस्ती के बारे में सुना। दो लोग दोस्त नहीं हो सकते, क्यों उन्हें रिलेशनशिप में ही होना पड़ेगा? और ये बात सच है कि मैं अविका से 18 साल बड़ा हूँ। अविका हमेशा मेरी अच्छी दोस्त रहेंगी। वो मिलन चांदवानी के साथ रिलेशनशिप में बहुत खुश हैं और मेरी शादी को भी 1 साल हो चुका है। साल 2020 में जून में मेरी शादी हुई थी। संगीता और मैं इन अफवाहों पर हंसते हैं। टीवी का तड़का सातवें आखिरी टॉप न्यूज, मास्क ना पहनने पर ट्रोल हुई निया शर्मा। जी, निया शर्मा को हाल ही में मुंबई में स्पॉट किया गया। पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस में निया स्टनिंग लग रही थी, लेकिन इस दौरान एक्ट्रेस ने मास्क नहीं पहना था। निया ने अपनी तस्वीरों को इंस्टा पर भी शेयर किया है। निया के इस ग्लैमरस लुक को जहां कई लोग पसंद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने उनके मास्क न पहनने पर उन्हें ट्रोल किया। एक यूजर ने तो यहां तक लिखा कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे निया का एटीट्यूड समझ में नहीं आता। लोग निया से सवाल करते दिख रहे हैं कि इतना एटीट्यूड किस बात का है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, क्या मुंबई कोविड फ्री हो गई है? क्या निया को मास्क नहीं पहनना चाहिए था?
वेल तो ये है टीवी की दुनिया और स्टार से जुड़ी आज की सात खबरें।